रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने आज के नए वीडियो के साथ आपकी खिदमत में ASR टेक एंड इन्फो की तरफ से हाज़िर हूँ। आज की वीडियो में नाज़रीन आपको बताया जाएगा कि PC के बारे में, PC की डिटेल या किसी भी विंडो वगैरह की डिटेल आप कैसे मालूम कर सकते हैं। आप अगर जानना चाहते हैं कि किसी PC की रैम कितनी है, उसका प्रोसेसर कितना है, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मालूम कर सकते हैं। तो इसके दो तरीके हैं, दोनों तरीकों के बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे जो आपका डेस्कटॉप है, इस पे यहाँ से राइट क्लिक करेंगे। तो राइट क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन व्यू है, उसके बाद सॉर्ट बाय है, फिर रिफ्रेश है, फिर पेस्ट और पेस्ट शॉर्टकट वगैरह ये, इसके बाद फिर ग्राफिक्स प्रॉपर्टीज़, ग्राफिक्स ऑप्शन, उसके बाद न्यू है, यहाँ से न्यू फोल्डर बनता है। उससे नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले सेटिंग है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सेटिंग का ऑप्शन ओपन हो गया। यहाँ से आप ये देखिए, ये होम के नीचे ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है अबाउट का, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने यहाँ पे डिवाइस का नेम भी आ गया। यहाँ से अगर आप इसका नेम चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप यहाँ से रीनेम दिस PC करेंगे, दोबारा रिस्टार्ट होकर इसका नेम चेंज हो जाएगा। प्रोसेसर के बारे में यहाँ से आपको बता रहा है कि इसका प्रोसेसर जो है वो 2.20 GHz है, इसकी रैम जो है वो 4 GB है, आपके जो PC की रैम होगी वो भी यहाँ से आ जाएगी, इसका प्रोसेसर भी आ जाएगा। सबसे जो अहम चीज़ें हैं दो वो यही हैं, डिवाइस ID है, फिर प्रोडक्ट ID है, फिर सिस्टम टाइप है, 64-bit इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये 32 भी होता है। ज़्यादा अच्छा ये है कि 64 आप कर लें, क्योंकि जो बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, हैवी किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं, वो 64-bit के लिए बने होते हैं, तो 32 वाले भी सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, मगर हैवी जो है वो 64 ही होनी चाहिए, फिर आप सॉफ्टवेयर आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये नाज़रीन तरीका था कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं इसकी डिटेल्स, यहाँ से इसे आप क्रॉस कीजिए। दूसरा इसका तरीका ये है कि यहाँ से आप ये देख रहे हैं विंडो का ऑप्शन, यहाँ से आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक पेज ओपन हो गया। यहाँ से आप ये सेटिंग दूसरे नंबर वाला ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिए, तो ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो गया है। यहाँ से आप फिर ये इसका ये सिस्टम वाला जो ऑप्शन है, सबसे पहला ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से, तो अब आप ये देखिए कि आपके सामने ये सब चीज़ें दोबारा वही खुल चुका है पेज। यहाँ से आप जब अबाउट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाला दोबारा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से भी आप, ये दूसरा तरीका है इसकी डिटेल्स जानने के लिए। यहाँ से देखिए प्रोसेसर जो है इसका 2.20, रैम जो है 4 GB, ये सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी। तो ये नाज़रीन आसान सा तरीका था, आप इन दोनों तरीकों से किसी भी PC वगैरह की, किसी भी कंप्यूटर की, किसी भी लैपटॉप वगैरह डेस्कटॉप की डिटेल्स जान सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, अल्लाह हाफिज़।